दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पर मैया सम्मान योजना की यहाँ पे घोषणा की गई है, जिसमें कि झारखंड की महिलाओं को 1,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता यहाँ प्रदान की जाएगी। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ कि मैया सम्मान योजना एक्चुअल है क्या, इसके लिए आप आवेदन किस तरह से कर सकते हैं और इसमें आपको कितनी राशि मिलेगी, किस किस को मिलेगी, कौन इसके पात्र है, किसको नहीं मिलेगी और इसमें आप जब आवेदन करेंगे तो आपको कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसकी पूरी डिटेल आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला। तो अगर आप भी एक झारखंड के निवासी और मैया सम्मान योजना में आवेदन करना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं, इसके पूरा तरीका जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ, ये आपको यहाँ पे झारखंड योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसका प्रिंट यहाँ से निकालेंगे तो ये मान्य नहीं होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि अपनी आंगनवाड़ी पे जाना होगा और आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उससे आपको ये फॉर्म मांगना है या फिर आपके नगर निगम या नगर पालिका में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप इस फॉर्म को निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऑनलाइन आवेदन करने की कोई प्रक्रिया यहाँ पे नहीं दी गई है, ना ही इसके लिए कोई पोर्टल यहाँ पे शुरू किया गया है। इस योजना के लिए आवेदन आप यहाँ पे ऑफलाइन ही कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को किस तरह से भरना है उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस योजना में आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है और इसके लिए कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन इसके लिए पात्र हैं। तो झारखंड की निवासी हो, आवेदिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 50 वर्ष से कम आयु हो, यानी कि जो भी महिला इसके लिए आवेदन करना चाहती हो झारखंड की निवासी होना चाहिए और उनकी उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सेकेंड नंबर पर दिया गया है कि आवेदिका का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से यहाँ पे लिंक होना चाहिए। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड भी उसके पास होना अनिवार्य है। अब इसके बाद में यहाँ पर कौन इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, तो आवेदिका स्वयं या उसके पति, केंद्र, राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार किसी भी सरकारी क्षेत्र में अगर उनकी सर्विस है तो वो इसके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर कोई रिटायर्ड है और उनको पेंशन वगैरह मिलती है तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक रहा हो वो भी यहाँ पर इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जिन लाभुकों को यहाँ पे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में यहाँ पे पैसा मिलता होगा, यानी कि उसका लाभ वो पहले से ले रहे होंगे, तो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में इसमें आपको लाभ क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको आवेदन करने के बाद प्रति माह यहाँ पे महिला को 1,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी कि हर महीने यहाँ पर 1,000 रुपए लाभार्थी को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे संपर्क की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय में जाना होगा और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में भी आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और वहीं पर ही आपको ये फॉर्म मिलेगा और उसको वहीं के वहीं आपको इसको जमा करना होगा। इसके अलावा आपके गांव में या आपके मोहल्ले में जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे जो अधिकारी हैं यानी कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता होती हैं उनसे भी आप ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपने नगर की नगर पालिका या फिर आपके पंचायत कार्यालय में भी आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको लाभ क्या क्या मिलेगा, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता और कौन इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म की। तो इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदिका का नाम यानी कि जिस महिला के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में पति का नाम आएगा, उसके बाद में आपका ग्राम, मोहल्ला, थाना वगैरह, अलावा पंचायत वगैरह, शहर, अंचल, जिला, जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद में आपका जो पहचान पत्र यानी कि मतदाता पहचान पत्र उसकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद अपने आधार संख्या यहाँ पे डालनी होगी यानी कि अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। उसके बाद में अपने बैंक अकाउंट का आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी, अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। तो अगर आपका लिंक है तो आप यहाँ पे हाँ को सिलेक्ट करेंगे और अगर नहीं है तो फिलहाल यहाँ पे नहीं को टिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहले आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड को अपने अकाउंट से लिंक कराना होगा। वरना यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराना यहाँ पे अनिवार्य है। इसके बाद में आपके बैंक का नाम और आपकी शाखा का जो IFSC कोड होता है वो आपको एंटर करना है। राशन कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर एंटर करना है, अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। इसके अलावा आप किसी भी सामान्य अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग जिससे भी आते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। आपको अपनी आयु यहाँ पे एंटर करनी है,
अपनी जन्मतिथि आपको एंटर करनी है, और आपका यहाँ पे आवेदक का पहचान चिन्ह यानी कि आपके शरीर पे कोई तिल वगैरह का निशान है कुछ भी है तो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आवेदक विवाहित है तो वो सिलेक्ट करना है, वरना या फिर विधवा तलाकशुदा जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उस पर आपको इस तरह से राइट टिक लगाना है, और जो आप सबमिट नहीं कर रहे हैं उस पर आपको इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, और इसके बाद यहाँ पर आपको तारीख डाल देना है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर या अंगूठा कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एक शपथ पत्र है इसको भी आपको डालना होगा, तो जो डिटेल आपने ऊपर फिल की है आवेदिका का नाम या पति का नाम उम्र पता वगैरह ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे भी डाल देना है, और यहाँ पे भी आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। अब इसके बाद में ये नीचे वाला आपको एंटर नहीं करना है, जहाँ पर आप फॉर्म जमा करने जाएंगे वहाँ के अधिकारी इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और आपको यहाँ पे पावती प्रदान कर दी जाएगी, और इस तरह से आप यहाँ पे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी झारखंड के निवासी हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।